भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी लीडर रवि किशन के साथ कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और हरियाणा की देसी डांसिंग क्वीन सपना चौधरी छोटे पर्दे पर फिर से वापसी कर रही हैं। सपना और रवि किशन दोनों नए टीवी शो मौका-ए वारदात में नजर आने वाले हैं। शो के प्रोमो को हाल ही में रिलीज किया गया, जिसमें सपना चौधरी और रवि किशन के अलावा भोजपुरी गायक और भाजपा नेता मनोज तिवारी भी नजर आ रहे हैं। दर्शक इन तीनों को एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार मौका-ए वारदात शो क्राइम की घटनाओं पर आधारित है, जिसके कुछ एपिसोड्स को वास्तविक स्थानों पर शूट किया गया है। बताया जा रहा है कि एन टीवी का नया शो मौका-ए वारदात सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर होगा, जिसमें तीनों अभिनेता एक साथ नजर आने वाले हैं। यह शो सच्ची घटना, अपराधों और उसके पीछे के रहस्यों को उजागर करेगा और दर्शकों को किसी के साथ घटित हुई कहानी से रूबरू करवाएगा। जैसा कि शो के प्रोमो से ही साफ जाहिर हो रहा है कि प्रोमो की शुरुआत में रवि किशन दिखते हैं, जो किसी घटना का जिक्र करते हैं, और उसके बाद मनोज तिवारी और सपना नजर आती हैं। इस शो के प्रोमो यूट्यूब पर 9 फरवरी 2021 को रिलीज किया गया है, जिसे देखने से यह पता चलता है कि ये कई रहस्यमयी घटनाओं के सस्पेंस से भरपूर होगा। हर नए एपिसोड में अलग अलग स्टोरी दिखाई जाएगी और ये क्राइम शो 9 मार्च 2021 से शुरू होगा। शो का प्रसारण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे आएगा। शो के प्रोमो को रिलीज करते हुए बताया गया है कि हर सोच से परे जुर्म के राज का होगा पर्दाफाश, हर नामुमकिन अपराध की पहेली को सुलझाने आ रहा है नया शो मौका-ए वारदात। बात अगर इन तीनों मशहूर सेलेब्स के वर्क फ्रंट की करें तो मनोज तिवारी नई दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं और अपनी गायकी भी कभी कभी करते हैं, तो वहीं रवि किशन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इसके अलावा बताएं कि दोनों भोजपुरी सुपरस्टार्स रह चुके हैं और अभी भी कई फिल्मों में नजर आ जाया करते हैं। वहीं ये पहली बार ऐसा होगा जब टेलीविजन पर दोनों दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आएंगे और एक साथ अभिनय करेंगे। वहीं सपना चौधरी की बात करें तो वो अपने बेटे के परवरिश के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ पर भी काफी फोकस कर रही हैं। आए दिन वो अपने डांसिंग वीडियोस को रिलीज करती रहती हैं। फिलहाल के आज के इस भोजपुरी वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और भोजपुरी खबर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।